केरल के यनाकुलम में एक कन्वेंशन सेंटर में बम ब्लास्ट ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। रविवार को कन्वेंशन सेंटर में एक के बाद एक तीन धमाके हुए। इस भीषण धमाके में तीन लोगों की मौत हो गई है जबकि 40 से अधिक लोग घायल हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कन्वेंशन सेंटर में सुबह 9:30 बजे के करीब 2000 लोग प्रार्थना कर रहे थे। उसी दौरान 15 से 20 मिनट के अंदर लगातार तीन धमाके हुए। धमाका होते ही मौके पर अफरा तफरी और चीख पुकार मच गई। लोग भागने लगे। घायलों को आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में भी 7 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि मरने वालों का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। इस भीषण धमाके के कुछ घंटे बाद एक शख्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। त्रिशूर जिले के कोटकारा पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया। एडीजीपी अजीत कुमार ने बताया कि डोमिक मॉल्टन नाम के एक व्यक्ति ने सरेंडर किया है। व्यक्ति ने दावा किया कि विस्फोट के पीछे उसी का हाथ है। शख्स ने खुद को ईसाइयों के याहू विटनेसन संगठन का अनुयायी होने का भी दावा किया है। उसने फेसबुक लाइव करके धमाके के पीछे की वजह भी बताई है। उसका दावा है कि वो भी ईसाई धर्म के याहूब का साक्षी समूह से संबंधित है, लेकिन उसको उनकी विचारधारा पसंद नहीं है। उन्हें वो देश के लिए खतरा मानता है क्योंकि वो लगातार देश के युवाओं के दिमाग में जहर घोल रहे हैं, इसलिए उसने उनकी प्रार्थना सभा के दौरान ब्लास्ट किया है। केरल पुलिस ने भी कन्फर्म कर दिया कि सरेंडर करने वाले शख्स का नाम डोमिक है। पुलिस उससे पूछताछ करने में जुटी हुई है। केरल में हुए विस्फोट के बाद दिल्ली और मुंबई में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों की पुलिस अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। इसके साथ ही इजराइल और हमास से जुड़े कार्यक्रमों पर विशेष नजर रखी जा रही है। वहीं सोशल मीडिया पर भी सुरक्षा एजेंसियों की पैनी नजर है। फिलहाल एडीजीपी ने कहा है कि हम गंभीरता से सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं और जल्द ही पता लगाएंगे कि इस हमले का जिम्मेदार कौन कौन है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि ये ब्लास्ट आईईडी विस्फोट से है। असले, असले, असले।